फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कोरोना वायरस को लेकर बात की जाए तो पूरी दुनिया इसके संक्रमण से पीड़ित होती दिखाई दे रही है और इसको लेकर हर एक देश की सरकार जद्दोजहद करती दिखाई दे रही है। वहीं भारत में भी इसका आंकड़ा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है और इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार गंभीरता से कदम उठा रही है। इसके अलावा प्रदेशों की सरकारों को लेकर बात की जाए तो कोरोना से लड़ने को लेकर युद्ध स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासनिक अमला भी मुस्तैदी से लगा हुआ है। लॉकडाउन पार्ट टू का आज 15वां दिन है, सिर्फ 4 दिन बचे हैं। 19 दिन का दूसरा चरण था लॉकडाउन का और अब तक की स्थिति को लेकर कई सारे सवाल भी निकल कर सामने आ रहे हैं, तो कई जगहों से ऐसी खबरें भी सामने आई हैं जो राहत भरी हैं। हालांकि कई मरीजों के सही होकर घर लौटने की खबरें भी लगातार निकल कर सामने आ रही हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो है टीम 11 के साथ मीटिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को हर ज़रूरी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी लगातार गंभीरता से कदम उठाती दिखाई दे रही है और अधिकारियों के साथ मीटिंग का निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर काबू पाना है, किस तरह से नियंत्रण पाना है, इसको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बातचीत हो रही है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की जा रही है, मंथन किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है हर एक स्थिति को लेकर और इसके बाद जो है मुख्य बिंदु तैयार कर उसके हिसाब से निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कोरोना संकट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की मैराथन बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार को सीएम ने कोरोना संकट को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में कोरोना की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है, बड़ी संख्या में मरीज ठीक होकर घर वापस जा रहे हैं, नए प्रकरणों में निरंतर कमी आ रही है। कोरोना संकट को शीघ्र समाप्त करने के लिए अब हर शहरों और जिलों की परिस्थिति को देखते हुए रणनीति बनाई जा रही है। जिलों की मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी अब जिलों में जाकर वहां की स्थितियों का निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण की स्थिति और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। आवाज समझ में नहीं आ रही। और मध्य प्रदेश के बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से कोरोना वॉरियर्स पर हमले की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 में बदलाव किया है। अब यूपी में भी डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस टीम पर हमला गैर जमानती अपराध होगा। गौरतलब है केंद्र सरकार की तरह ही यूपी सरकार ने भी कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं। एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 में बदलाव के बाद अब इसे यूपी महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 कहा जाएगा। प्रदेश सरकार के अनुसार एक्ट में शामिल विनिमय 15 में संशोधन किया गया है। अब डॉक्टरों को, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वालों पर हमला करने वालों को 7 से 5 साल की कैद और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। साथ ही गिरफ्तारी के बाद 6 महीने तक जमानत भी नहीं होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से आरसी भट्ट स्टेट एडिटर। और साहब, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मीटिंग कर लगातार कोरोना वायरस को लेकर गंभीरता से कदम उठाती दिखाई दे रही है। वहीं अब जो नया जो ताजा फैसला निकलकर सामने आया है, स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर बात हो, डॉक्टरों की बात हो या पुलिस टीम पर जो लगातार हमले हो रहे थे उसको लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्या कुछ इसको लेकर अपडेट सामने आया है? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही थी कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर हैं और खासतौर पे पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके साथ जो है जोर जबरदस्ती मारपीट या फिर उनके ऊपर प्रहार करना और खासतौर पर जो स्वास्थ्य विभाग की तमाम जो संपत्ति है उसको क्षतिग्रस्त करना, एम्बुलेंस को नुकसान पहुंचाना, डॉक्टरों के अस्पतालों को जाकर तोड़ देना, तो ये तमाम चीजें कई वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही थी और इसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं गंभीर नहीं हो पा रही।
जी। लेकिन अब इधर जिस तरह से कोविड 19 का प्रकोप उत्तर प्रदेश में लगातार चल रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में चल रहा है, उसको लेकर कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि डॉक्टर कोविड 19 का टेस्ट लेने जा रहे हैं, उनके ऊपर सामूहिक रूप से हमला होता है, फिर कहीं कोविड 19 का क्वारंटीन सेंटर में डॉक्टर चेकिंग के लिए जा रहे हैं, वहां उनके ऊपर हमला होता है। तो ये जो लगातार समाचार मिल रहे थे ये अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो सीधे तौर पर जो हमारे डॉक्टर हैं और उसके साथ साथ जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सफाई कर्मी हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं लगातार इनके ऊपर हमले हो रहे थे और लोग इनको निशाना बना रहे थे। योगी सरकार कहीं ना कहीं, जब ये तमाम जानकारियां लगातार योगी सरकार की नजर में आई, तो उन्होंने एक कड़ा फैसला किया, उत्तर प्रदेश एपिडेमिक कंट्रोल एक्ट एक कानून बनाया और उस कानून के तहत ये साफ कर दिया और उसको बाकायदे कैबिनेट से पास किया और फिर वो जारी कर दिया। उस कानून में अब उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अगर डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करता है, उनको शारीरिक चोट पहुंचाता है, उनकी संपत्तियों को चोट पहुंचाता है, या किसी भी स्वास्थ्य कर्मी के साथ वो इस तरह की हरकत करता है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ ये एक्ट काम करेगा जी। और बिल्कुल साफ है इस एक्ट में, यूपी गवर्नमेंट के अध्यादेश में बिल्कुल ये साफ प्रावधान है कि अगर कोई भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाता है तो सबसे पहले तो 6 माह तक उसकी जमानत नहीं होगी, यानी बेल नहीं मिलने वाली है और वो 6 महीने जेल में रहे, और उसके साथ साथ 7 साल की इसमें अधिकतम सजा, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति विक्टिम होता है और सजा होती है तो 7 साल की सजा मैक्सिमम हो सकती है, और उसके साथ साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना जी। तो सरकार ने जिस तरह से नियम बनाए हैं, जो इस समय कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, इनकी सुरक्षा, इनके प्रोटेक्शन के लिए ये कानून जरूरी था और उत्तर प्रदेश सरकार को लगा कि ये कानून आना चाहिए और इनको सुरक्षा प्रदान कर सकता है, तो निश्चित रूप से इससे कम से कम उनकी उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा और निश्चित रूप से उन लोगों के लिए भी यह एक संदेश रहेगा जो डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ जो है मारपीट करते हैं, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, एम्बुलेंस की तोड़फोड़ करते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस दिशा में इन तमाम चीजों पर लगाम लगी जी। कमर जी बिल्कुल, और काफी अच्छा फैसला है, जो कि जिस तरह से लगातार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया जा रहा है, डॉक्टरों पर निशाना साधा जा रहा है, पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता की जा रही है, हालांकि ये सब जो पूरी टीमें हैं, जिस तरह से प्रशासनिक हमले की बात हो या दूसरे कर्मियों की बात हो भट्ट साहब, ये सब देश की जनता, प्रदेश की जनता की खुशहाली और उसकी सुरक्षा को लेकर ही इस तरह युद्ध स्तर पर काम करते दिखाई दे रहा है। हालांकि इससे जिस तरह से कानून में फेरबदल किया गया, लगता है कि जनता के जो मानसिक सोच है उसमें कहीं ना कहीं जरूर बदलाव और एक अच्छा माहौल बनता दिखाई देगा। और इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि रोज योगी आदित्यनाथ सरकार अपने प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग करते दिखाई दे रहा है, क्या कुछ बदलाव अभी तक देखने को मिला है? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 100 मरीज के अंदर जो कोविड-19 के मरीज हैं वो लगातार आ रहे हैं। आगरा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आगरा में जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है और नए नए मरीज कानपुर में निकल रहे हैं, सहारनपुर की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तमाम उत्तर प्रदेश के जनपदों में लगातार कोविड-19 के मरीज पाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब लगातार सुबह अपने टीम अलेवन के साथ वो बैठते हैं, तमाम मुद्दों पर वो चर्चा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं, हर चीज की वो जानकारी लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे 75 जनपद की वो पूरी तरह से जानकारी लेते हैं और उसके बाद उसमें किस तरह से आगे सुधार किए जाए उसके दिशा निर्देश देते हैं, और उसके साथ साथ उनके जो 2 कैबिनेट मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के, सुरेश खन्ना जो चिकित्सा शिक्षा के कैबिनेट मंत्री हैं और जयप्रताप सिंह चिकित्सा स्वास्थ्य के हैं, इन दोनों लोगों को अपने साथ लेकर बैठते हैं ताकि कोई भी दिशा निर्देश हो तो उन्हें जानकारी हो और वो अपने स्तर से उसको कर सके। और जिस तरह से मरीजों की संख्या
बढ़ रही है, 2000 से ऊपर इस समय उत्तर प्रदेश में कोविड 19 के पेशेंट अब तक पाए गए हैं, इसमें तकरीबन 400 से ऊपर मरीज ठीक हो चुके हैं, बाकी 1600 की संख्या जो है वो दिख रही है इस समय वो इफेक्टेड है। लगभग ये 60 जिलों में ये फैला हुआ है, 31 लोगों की जाने जा चुकी हैं। अब आज जो इसका फिगर 4 बजे के आसपास आएगा उससे और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बढ़ी हुई संख्या हो, लेकिन इस दशा में कहीं ना कहीं सरकार को और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। यूपी मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन काम नहीं कर पा रहा है, आज 29 तारीख है, आज पीपीई किट का टेंडर होना है, टेंडर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, 50 करोड़ का टेंडर होना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 23 पुलिस वाले कहीं ना कहीं संक्रमित हैं और बहुत सारे डॉक्टर संक्रमित, पैरामेडिकल स्टाफ संक्रमित हो गए, तो उनकी सुरक्षा के लिए पीपीई किट बहुत आवश्यक है। पीपीई किट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, मास्क अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के महानिदेशक मुकुंद केश ने ये मांग की है कि बेड साइड मॉनिटर की मांग की है, 200 वेंटिलेटर की मांग की है, ये अभी कुछ उत्तर प्रदेश को मिल नहीं पाया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में इन सेवाओं को अपग्रेड करने के लिए ये सामान चाहिए। ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अधूरी है, बहुत सारे अस्पताल अधूरे पड़े हैं, बहुत सारी दागी कंपनियां हैं जिनको काम दिया जा रहा है और वो जब खबरें मीडिया में आती हैं तो उसको निरस्त करने की बात कही जा रही है। तो सरकार जो है वो पूरी तरह से अपने अधिकारियों पर निर्भर है, अधिकारियों द्वारा जो फीडबैक दिया जाता है मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री जी उस फीडबैक को सही मानते हैं और उसी हिसाब से कार्रवाई करते हैं। उनको एक 2-3 त्रिस्तरीय व्यवस्था रखनी पड़ेगी और उन्होंने बनाया भी है, जिस तरह से उन्होंने नोडल की व्यवस्था की है, तमाम जो हॉटस्पॉट वाले जिले हैं उसमें उन्होंने उच्च अधिकारियों के नोडल को बनाया है, जो सीनियर आईएएस रैंक के अधिकारी हैं वो खुद इस समय उन जनपदों की खाक छान रहे हैं और लगातार वो वहां की चीजों को देख रहे हैं। जिलाधिकारी के द्वारा लगातार कोशिश भी की जा रही है, लेकिन फिर भी एक स्तरीय व्यवस्था और बढ़ा के यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, लेकिन कमियों को स्वीकार करना चाहिए, उन कमियों को तत्काल पूरा करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इसमें अभी भारी कमी दिखाई पड़ रही है और उत्तर प्रदेश में अन्य जो क्षेत्र हैं, चाहे कम्युनिटी किचन की बात हो, चाहे सैनिटाइजर की बात हो, और चाहे इसके अलावा राशन बांटने की बात हो, या किसानों का जो गेहूं है वो कट के गेहूं के ट्रेंडों पर आने की बात, ये तमाम काम बहुत ही सुचारू रूप से हुए हैं जी। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार काफी हद तक किसानों को, गरीबों को राहत पहुंचाने का काम की, और उसके साथ साथ योगी सरकार एक बड़ा फैसला लिया है, उन्होंने सीधे तौर पर जो 15 लाख प्रवासी मजदूर हैं उनको उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर, शहरी क्षेत्र स्तर पर उनको कार्य देने के लिए, उनको रोजगार देने का भी प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए हैं, गरीब मजदूरों के खाते में भी 1000 रुपए भेजे गए हैं, योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में अधिकारियों के गुमराह करने की वजह से पिछड़ती नजर आ रही। बिल्कुल भट्ट साहब, योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर बात की जाए, चाहे छात्र छात्राओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर बात हो, किसान या मजदूर वर्ग, या यूं कहा जाए कुल मिलाकर कि हर वर्ग को, हर तबके के लोगों की चिंता है, उनको राहत देने के बारे में मंथन लगातार करती दिखाई दे रही है योगी सरकार। लेकिन अब लॉकडाउन के दूसरे चरण को लेकर बात की जाए तो दूसरे चरण में समाप्ति में सिर्फ 4 दिन बचे, 3 मई करीब आने वाली है, ऐसे में सरकार की तरफ से क्या खाका तैयार किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ मंथन हुआ है कि 3 तारीख के बाद कुछ हाथ मिलेगी या लॉकडाउन आगे बढ़ेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आज देश की और प्रदेश की जनता ये सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रही है, किसी के पास सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन आज 29 तारीख है और करीबन 4 दिनों के बाद लगभग लॉकडाउन की स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात किया है और उनसे राय जानी चाहिए, उसमें बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने राय दिया कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, क्योंकि संक्रमण की जो चेन है कोविड 19 की वो उसको काटने का काम कहीं ना कहीं और आगे करना,
लेकिन ये भी देखना है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो 40 दिनों से 3 मई को 40 दिन पूरे हो जाएंगे, वो लगातार अपने घरों में है, जिनको प्रॉपर वे में इलाज नहीं पा रहा है, जिनकी डायलिसिस नहीं हो पा रही है, जिनको महत्वपूर्ण जिनके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जो अस्वस्थ हैं, तो उनकी भी समस्याओं को देखना। राशन की दुकानें खुली हैं, ठीक है, और सब्जी की दुकानें खुली हैं, दूध की, खाने पीने की दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी हमारा जो शैक्षिक कैलेंडर है वो कहीं ना कहीं पिछड़ता नजर आ रहा है। ऑनलाइन किस तरह की पढ़ाई सरकार सुनिश्चित करेगी? उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जेई मेन्स के एग्जाम होने हैं, सीबीएसई के एग्जाम बाकी हैं, नीट जो मेडिकल टेस्ट है वो एग्जाम बाकी है, सरकार को इसको बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जिनके रोजगार खत्म हुए हैं, जिनके सामने आगे क्या करना है वो समस्या खत्म हुई है, वो कहीं ना कहीं सरकार को देखना पड़ेगा। और किस तरह की जिंदगी हो, लोग बहुत खुश फहमी में है कि 3 तारीख के बाद लॉकडाउन हट सकता है तो बहुत आजाद जिंदगी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको एक बहुत बड़े डिस्टेंस के साथ, जिसको फिजिकल डिस्टेंस कहते हैं, उसका पालन करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल 24 घंटे मास्क पहनने पड़ेंगे जी, और उसके साथ साथ फिजिकल डिस्टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सरकार की बहुत सारी वो एक नियम होंगे जिसका आपको पालन करना पड़ेगा, आपके सामने बंधन होंगे। तो इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार खुद सोच रही है। आज कमर जी, बिजली की दुकानें, हमें इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है या प्लम्बर की जरूरत है या फिर एसी फ्रिज टीवी बनाने वाले की जरूरत है, जो जिंदगी की रोजमर्रा चीजें हैं वो भी नहीं मिल रही हैं। सरकार के पास निश्चित रूप से कोई ठोस पॉलिसी जरूर होगी कि धीरे धीरे उन क्षेत्रों में जहां हॉटस्पॉट नहीं है, जो ग्रीन जोन है, उनको धीरे धीरे खोला जाए, और हॉटस्पॉट के क्षेत्रों को बिल्कुल नहीं खोला जाएगा। आज उत्तर प्रदेश सरकार उन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में मोबाइल क्लिनिक भेज रही है, क्योंकि लोग वहां बीमार हैं, अपने घरों में पड़े हैं। तो सरकार कुछ न कुछ एक नई कोशिश कर रही है, लेकिन कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, इसके लिए बहुत लंबा समय लगेगा। वैक्सीन जब इसकी आएगी, उसके बाद जब पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हर घर जब वेरिफिकेशन होगा, वैक्सीनेशन होगा, तब ये बीमारी पर काबू पाया जाएगा, और उस समय ये महामारी नहीं होगी, ये सिर्फ एक साधारण बीमारी। चलिए, बिल्कुल, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया आरसी भट्ट साहब। तो जिस तरह देखा जाए उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर अभी असमंजस का माहौल बना हुआ है कि 3 तारीख के बाद लॉकडाउन खुलेगा या आगे बढ़ेगा। हालांकि सरकार की तरफ से भी इसको लेकर किसी तरह के कोई बिंदु बाहर नहीं आए हैं। अब देखने वाली बात होगी, जिस तरह से मंथन लगातार किया जा रहा है, इसके बाद क्या कुछ खाका तैयार होता है।